जो मोदी द्वारा 3 अध्यादेश लाए हैं जो किसानों की बहुत ही मारू नीति, पहले जो बिहार में ये चीज लागू हुई है उसमें देख लो आज धान 800 रुपये बिक रहा है। और हमें भी खदशा है कि जब MSP टूट गई तो हमारा जो रेट है गेहूं का और धान का और नरमे का ये बहुत ही नीचे आ जाएगा और ये कंपनियां जो आएंगी वो बहुत ही नीचे दामों पर हमारी फसल को लेंगी। आज 75% कृषि पर सारा संसार निर्भर है भारत, और 25% हम 100% लोग किसानों से खाते हैं और 75% जो रोजगार है किसान ने दे रखा है, और फिर भी जो मोदू ऐसे कानून लाकर हमारे जो कृषि को बर्बाद कर रहे हैं। और जो इसको चाहिए भी, पहले कितने व्यापार संगठन भी इसने बर्बाद कर दिया, जो आढ़तिया था, जो हमारा रिश्ता था आढ़तिया के साथ, वो आढ़तिया भी बर्बाद हो रहा है और अब किसानों की बर्बादी करने लगा है। ये सभी मतलब पहले CA पर इसने 2 महीने, उस कितने महीने लगे रहे, वो आदमी भी बैठे रहे, इसने कानून वापस नहीं लिया CA वाला। आज किसान सड़कों पर है पर इसके सिर पर जू नहीं सर करेगी। ये मतलब प्रधानमंत्री नहीं, एक आप तानाशाही जो हिटलर राज है इन्होंने कर रखा है। ये किसान की कोई नहीं सुन रहा। आज किसान संगठनों द्वारा, व्यापारी संगठनों द्वारा, मजदूर संगठनों द्वारा सब ने मिल के 25 तारीख को इन 3 जो अध्यादेश काले कानून है, जो किसानी को और व्यापार को, मजदूरों को बर्बाद करने वाले कानून है, इनके विरोध में एक सिंबॉलिक संदेश देने के लिए भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें हमारी पार्टी ने भी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे किसान संगठनों का साथ देने का आह्वान किया है। उसी रूप में आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, किसान साथी, व्यापारी साथी, मजदूर साथी, सभी लोग जो है, देखा उनमें इतना जोश है, इस मोदी सरकार की हिटलरशाही नीतियों के खिलाफ उनमें भारी विरोध है। और हर आदमी अनिश्चितता के दौर में जो रहा है कि आने वाला समय हमारा रोटी का निवाला जो छिलने के लाले पड़े हुए हैं उसको बचाने के लिए हर आदमी अपने आप में इन 3 काले कानूनों का डटकर विरोध करता है। और आज जहाँ तक बाजार का, रोड़ी बाजार जो सिरसा का मेन बाजार है, जिस जगह हम खड़े हैं ये सुभाष चौक सिरसा का मेन बाजार है, इसमें 100% सारी तरफ दुकानदार साथियों का जो साथ है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इस काले कानून के विरोध में इतनी जागरूकता जो दिखाई है। सभी किसान संगठनों की अपील पे, सभी व्यापारी संगठनों की अपील पे उन्होंने फूल चढ़ा के जो 100% बंद को कामयाब किया है वो काबिले तारीफ है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस सरकार से कि वो इस सिम्बोलिक भाव को, जनता के भाव को समझते हुए इन काले कानूनों में को वापिस लेना चाहिए। व्यापारी किसानों से, मजदूरों से बात करके जो इसमें तुरंत उनके हक की बात, के अमेंडमेंट की जरूरत है उसको लेना चाहिए और इतनी सारी नीति को, दमन को त्यागना चाहिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ।